हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी तार की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। तो तार से पकोड़े कैसे बनाते हैं और तार के रस कैसे निकालते हैं, दोनों ही प्रोसेस मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो हमने यहाँ पे एक तार लिया है और तार को हमने ऊपर से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम तार को चारों तरफ से छील लेंगे। तो हमने तार को अच्छे से छील लिया है इधर से, तो इसको हम अच्छे से चारों तरफ से भिगोएंगे पानी से, और इसको हम एक थाली से ढककर 5 से 6 घंटे तक रख देंगे ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। अब हम यहाँ पर एक छेद वाले बर्तन लेंगे और इसके नीचे आप थाली या गमला ले सकते हैं। तो अब हम जो तार है उनको अच्छे से घिस घिस के इसके जो रस है इसको हम निकाल लेंगे। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा पानी लीजिए एक ग्लास पे और अपने हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसके जो एक्स्ट्रा रस है उसको भी आप लोग निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिया है तार के रस, चावल का आटा, आटा, चीनी और ग्रेटेड नारियल। तो हम यहाँ पर 2 कटोरी चीनी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 4 कप चावल का आटा और 4 कप आटा का यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा नहीं पाई, लेकिन आप लोग 4 कप चावल का आटा और 4 कप सिर्फ आटा यूज़ करें। उसके बाद जो ग्रेटेड नारियल है उसको भी यहाँ पे डाल दें और इस सारी मिक्सचर को आप अच्छे से मिला लीजिए। तो इस तरह का बैटर बनेगा। तो तेल को हमने गर्म कर लिया है अच्छे से। तो हमने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये देखिए, ये जो पकोड़े है तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पर बाकी सारे पकोड़े को बना लेंगे इस तरह से। तो आप जो फ्लेम है, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए, वरना ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो मैंने इसको दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से पका लिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रेसिपी बनके तैयार। आप लोग देख सकते हैं ये पकोड़े जो है, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसको खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी अपने घर पर बना के ज़रूर देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों की ये पकोड़े कैसी बनी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।